हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक बाइनरी फाइल से कंटेंट्स को वापस रीड कैसे करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हमने एक बाइनरी फाइल बनाई है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट जो कि क्लास का आपने डिक्लेयर किया है उसे आप फाइल में राइट कर सकते हो। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स राइट हुए हैं मुझे उन्हें रीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पिछले एग्जाम्पल में बनाई थी एक क्लास जिसका नाम था स्टूडेंट, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम और मार्क्स डेटा मेंबर्स थे एंड वी हैड सम फंक्शंस। तो आपको इसके कोड से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो कोड करना है वो तो फाइल हैंडलिंग का करना है। बट लेट्स से ये क्लास है हमारे पास जिसमें वी हैव दीज डेटा मेंबर्स एंड आपके पास मेथड्स हैं इनपुट एंड शो, ये क्लास दी हुई थी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने लास्ट टाइम किया था फाइल में राइट कैसे करते हैं। तो इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स फाइल में राइट हुए हुए हैं, अब मुझे वो सबको रीड करके शो कराना है। सो आपका क्वेश्चन ये है कि रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल नेम्ड स्टूडेंट डॉट DAT which has objects of class student stored in it। तो आपको ये पता है कि इसके अंदर उस क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हैं, कितने हैं वो नहीं पता है। मुझे उन सबको एक एक करके रीड करना है और शो कराना है। तो जो फंक्शन हम इसमें यूज करेंगे वो होगा फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रीड। पिछली बार हमने डॉट राइट यूज किया था, एक्सक्यूज मी, इसमें अब रीड यूज होगा। सिंटेक्स वही है, आपको यहाँ पर रीड में क्या पास करना है, पहले तो एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यू रीड होके आनी है, कॉमा नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी हमें फाइल से रीड करनी है। तो सिंटेक्स तो राइट का भी यही था, बस उसमें फ़र्क इतना था कि ऑब्जेक्ट से वैल्यू फाइल में स्टोर हो रही थी, यहाँ पर फाइल से वैल्यू रीड होगी और ऑब्जेक्ट में आएगी। सो हाउ डू वी राइट इट, अब मुझे यहाँ पर एक कोड लिखना है ताकि मैं फाइल से सारे ऑब्जेक्ट्स एक एक करके रीड कर सकूं और उन्हें स्क्रीन पे शो कर सकूं। तो मैंने एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया एफ, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट ले लिया एस। एज यू नो, जब भी फाइल से हमें रीड करना है तो सबसे पहला काम तो फाइल को ओपन करना होता है। तो फाइल का नाम यहाँ पे है स्टूडेंट्स डॉट डी ए टी। क्योंकि आप फाइल एफ स्ट्रीम से ओपन कर रहे हो तो आपको कॉमा के बाद मोड भी देना है, तो मैंने यहाँ पे मोड दिया आई ओ एस इन बिटवाइज और के बाद आई ओ एस बाइनरी। सो स्टूडेंट डॉट डी ए टी मेरी फाइल का नाम है, इन का मतलब है वी वॉन्ट टू रीड फ्रॉम द फाइल, और इस बाइनरी का मतलब है कि आप फाइल ओपन कर रहे हो जो कि एक बाइनरी फाइल है, इट्स नॉट अ टेक्स्ट फाइल। सो जब भी हम फाइल ओपन करते हैं वी मस्ट चेक कि फाइल ओपन हुई भी या नहीं ओपन हुई। सो मैंने चेक किया कि अगर तो ऑपरेशन फेल हो गया है सो आई कुड प्रिंट दैट वी कांट ओपन द फाइल, लेकिन अगर फेल नहीं हुआ है तो आपको अब फाइल में से रिकॉर्ड्स रीड करने हैं। रीडिंग बहुत सिंपल है, बट मुझे नहीं पता कि फाइल में कितने स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 30 हो सकता है 100 हो, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मुझे उनको रीड करना है। तो एक ऑप्शन तो वही है कि हम पहले वो लूप लगा लें कि वाइल नॉट एफ डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता है तब तक आप फाइल में से रीड करो। रीड भी हम बिल्कुल राइट की तरह लिखते हैं, एफ डॉट रीड, यहाँ पर आ जाएगा कैर स्टार एड्रेस ऑफ एस कॉमा साइज ऑफ एस। सो फाइल से यहाँ पे रीड हो जाएगा, जो भी रीड हुआ उसको आपको स्क्रीन पे शो करना है, वो तो एक ऑब्जेक्ट है। तो रोल नंबर, नेम और मार्क्स को हम अलग अलग तो शो करेंगे नहीं, हमारे पास फंक्शन है शो, हम उसे कॉल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एस डॉट शो को कॉल कर लिया, वो शो कर देगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, नेम है, मार्क्स है। तो सबसे पहले वो इधर आएगा, देखेगा अभी एंड ऑफ फाइल नहीं है, एक ऑब्जेक्ट रीड होगा शो होगा, फिर इधर आएगा फिर देखेगा एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ, फिर रीड होगा शो होगा, और ये चीज़ रिपीट होती रहेगी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। तो अगर मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स थे, उसने पहले देखा एंड ऑफ फाइल नहीं है, फर्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, प्रिंट करा दिया, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम पे एंड ऑफ फाइल जो है वो फॉल्स हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा। सिंपल, आई होप यू अंडरस्टूड हम कैसे रीड कर रहे हैं इसको। ये मेथड अगर आपको समझ आया है सो इसी को थोड़ा और छोटा करके भी हम लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट बचा लेंगे।
वो स्टेटमेंट क्या है कि अभी हमने ये जो रीड वाली लाइन है ये अंदर लिखी है, अब वो जो लाइन है मैं वो वाइल के साथ लिख सकती हूँ. मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस वाइल, और यहीं पर वाइल के साथ ही राउंड ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एफ डॉट रीड, फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ गई रीड की, ये कैर स्टार की है, एड्रेस ऑफ एस कॉमा साइज ऑफ एस, ये राउंड ब्रैकेट साइज ऑफ की बंद होगी, ये रीड की और ये वाइल की, और इसके अंदर आपको सिर्फ एस डॉट शो लिखना पड़ेगा. तो आपकी एक लाइन का कोड सेव हो जाता है. वो क्यों सेव हो जाता है? क्योंकि ये जो रीड फंक्शन है ये हमें 1 या 0 रिटर्न करता है. अगर तो कुछ रीड हुआ है फाइल में से तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा. अगर फाइल में से कुछ रीड नहीं हुआ है तो वो आपको 0 रिटर्न करेगा. 0 का मतलब है फॉल्स, कुछ रीड नहीं हुआ. तो लूप स्टॉप हो जाएगा जब तक अगर वो नंबर रिटर्न कर रहा है 1, तब तक लूप चलता रहेगा. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स रीड होंगे वो एक एक करके स्क्रीन पे शो होते रहेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स फाइल में स्टोर्ड हैं हर किसी के लिए लूप एक बार चलेगा, वो रीड होगा और वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा. सो दैट इज़ हाउ वी कैन रीड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए. अब जो नेक्स्ट काम हम करेंगे इसमें वो होगा एक तो C++ का प्रोजेक्ट. आपको एज अ 12th क्लास स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फॉर CBSE बोर्ड, यू हैव टू सबमिट अ वर्किंग प्रोजेक्ट इन C++ जो कि बेसिकली फाइल हैंडलिंग पे डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाना है तो मैं एक फाइल के अंदर स्टोर कराऊंगी सारी बुक्स की डिटेल्स, मेंबर्स की डिटेल्स, फिर ये ट्रैक रखेंगे कौन सी बुक किसको इशू हुई है. ऐसे ही अगर आप उसमें शॉप के लिए बना रहे हो तो आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट रखनी पड़ेगी. ऐसे स्कूल के लिए बना रहे हो तो स्टूडेंट्स की लिस्ट रखनी पड़ेगी, उनके रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग. सो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा. सो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से एक C++ का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, विच यू कैन सबमिट एज पार्ट ऑफ योर क्लास 12 CBSE. ओके, एंड अदर देन दैट जो आपके बोर्ड में पेपर्स में क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का टोटल आता है थ्योरी में. उसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन हमारा बेस्ड होता है टेक्स्ट फाइल पे, 3 मार्क का क्वेश्चन बेस्ड होता है बाइनरी फाइल पे, और एक 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक आता है बेस्ड ऑन गेट एंड पुट पॉइंटर. सो गेट एंड पुट पॉइंटर के लिए आई अपलोड अ सेपरेट वीडियो. एंड ये दो है मैंने आपको समझा दिया है होते क्या है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास हैं अराउंड 10-12 ईयर्स के. सो आई विल बी सॉल्विंग ऑल फाइल हैंडलिंग क्वेश्चंस जो पिछले 10-12 साल में आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं फॉर 2 and 3 मार्क्स, एंड इसके लिए आई विल बी गिविंग यू अ सेपरेट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीज वीडियोज रिगार्डिंग फाइल हैंडलिंग. आई विल बी अपलोडिंग दम वेरी सून एंड आई ट्राई कि नेक्स्ट वीक में मैं ये सारा मटीरियल जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज प्रोजेक्ट एंड दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस एंड दिस गेट एंड पुट पॉइंटर आई शुड अपलोड. दैट इज इट. इन केस आपको नॉर्मल रीडिंग और राइटिंग में कोई भी डाउट है डू राइट टू मी, और आप खुद एक क्वेश्चन ट्राई करोगे. ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें क्या हो रहा है कि वो स्टूडेंट और DAT को ओपन कर रहा है और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको स्क्रीन पे शो कर रहा है. आपको इसमें एक चेंज करना है, आपको यूजर से एक रोल नंबर पूछना है, इनपुट रोल नंबर एंड प्रिंट ओनली दैट स्टूडेंट जिसका रोल नंबर मैच करता है. सो आपको सिर्फ मैचिंग स्टूडेंट को प्रिंट करना है, ना कि सारे स्टूडेंट्स को. दैट इज काइंड ऑफ सर्चिंग इन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सो दैट्स इट. सो डू कोड फॉर दिस, टेल मी द कोड विच यू हैव थॉट ऑफ इट. जो भी आप कोड करते हो यू कैन राइट इन द कमेंट, अदरवाइज यू कैन मैच इन द नेक्स्ट वीडियो. So stay tuned, keep watching, keep learning, and don't forget LLS, like, share and subscribe. Thank you.